सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू मेगा टेक एक्सपर्ट, आपके यहाँ पे स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले मीवी के थंडर बीट्स की ईयरफोन बारे में, जो कि मैंने एक साल पहले खरीदे थे। तो गाइस मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा आज, क्या इसमें अच्छाई है और क्या इसमें बुराई है। तो गाइस एक साल में जितना मुझे पता चला इसके साउंड क्वालिटी के बारे में और कितने मैंने खरीदे थे एक साल पहले और अब कितने में मिल रहे हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इसकी केबल क्वालिटी के बारे में बात करूँगा। गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा केबल मिल जाता है आपको। यहाँ पे मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल वायर है यहाँ पे और यहाँ पे बात करें इसको फ्लैट केबल मिल जाता है। यहाँ पे फ्लैट है, ये ब्लैक कलर का आता है और मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ इनको, और यहाँ पे कुछ भी क्रैक वगैरह भी नहीं पड़े इसमें, कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे कि मतलब कटा वटा हो। यहाँ पे हर एक भी अच्छा है, मैं इनको काफ़ी रफ भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे पॉकेट वगैरह में भी डालता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे पॉकेट में भी अगर आप इसको रख लेंगे तो इसके वायर को कुछ भी नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं वायर को। और अगर आप इसको नेट में अगर हैंग भी करेंगे तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे मिल जाता है आपको, ज़्यादा लंबा भी नहीं है और काफ़ी मतलब फिट बैठता है। यहाँ पे आप आराम से आपको यहाँ पे ऐसे होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे आपको ये मेटल फिनिश मिलता है गाइस, यहाँ पे बीच में मीवी का लोगो है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है यहाँ पे अगर देखोगे आप। और यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छे जो बताऊँ, यहाँ पे आपको मैग्नेट मिल जाता है जो कि गाइस अगर आप अपने नेक में टांगेंगे तो गाइस इस तरीके से तो यहाँ पे आपको ये ऐसे लॉक हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और साथ में आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको ये आप यहाँ पे शॉर्टन कर सकते हैं वायर को अपने हिसाब से, अपने नेक के अनुसार यहाँ पे शॉर्ट करके आप आराम से जितना आपका मतलब चाहिए आपको उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आराम से आपके फिट बैठ जाएगा यहाँ पे, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे गाइस इसके बर्ड्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पे सॉफ्ट बर्ड्स आते हैं यहाँ पे जो कि इन ईयर बर्ड्स हैं, और यहाँ पे आपको ये सपोर्टर मिल जाता है साथ में आपको जो ऊपर जाके फिट हो जाता है, जिससे आपके ये काफ़ी फिट बैठ जाते हैं ईयरफोन। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक बॉक्स भी दिया जाता है साथ में, यहाँ पे बॉक्स जो इस टाइप का ब्लैक बॉक्स होता है जो कि काफ़ी मतलब प्रीमियम है यहाँ पे बॉक्स। और मैं बॉक्स के अंदर बताऊँ तो गाइस यहाँ पे आपको ईयरबड्स मिलते हैं जो कि तीन ईयरबड्स आते हैं, एक लगे हुए आते हैं साथ में मीडियम और आपको लार्ज भी मिल जाते हैं, और साथ में आपको सपोर्टर भी दिए जाते हैं तीन, जो कि एक लगा हुआ आता है साथ में दो और मिल जाते हैं जो कि मीडियम और स्मॉल, जो कि मीडियम और स्मॉल और लार्ज आते हैं। और साथ में एक ये भी दिया जाता है आपको यहाँ पे कान में लगाने के लिए, जो कि आप उसमें लगाएंगे तो यहाँ पे ऊपर फिट बैठ जाता है, इस तरीके भी मिलते हैं। और मैंने बहुत कम ईयरफोन्स में देखा है जिनमें आपको दो तीन एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और अब हम लोग बात करते हैं इसके गाइस साउंड के बारे में, जो यहाँ पे काफ़ी बैलेंस साउंड मिल जाता है दोनों में, बाहर की नॉइज़ भी नहीं आएगी यहाँ पे, नॉइज़ कैंसिलेशन नंबर वन है यहाँ पे। और साउंड क्वालिटी देखो तो आपको इंस्ट्रूमेंट के साउंड जो बैकग्राउंड साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा यहाँ पे, आपको हर एक चीज़ के बारे में सुनाई देगा। यहाँ पे क्लियरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब साउंड इतना हाई भी नहीं है, मीडियम साउंड मिल जाता है जो कि आपके कान के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो इसका बेस सबसे अच्छा है यहाँ पे, बेस के लिए मैंने इनको खरीदा था एक साल पहले और अभी भी सच में अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका बेस एक नंबर है। आप इनको अगर बेस के आप ज़्यादा शौकीन हैं, आपको अगर ज़्यादा जैसे म्यूज़िक सुनना पसंद जिसमें बेस ज़्यादा है, तो आप इनको ले सकते हैं गाइज, मैं भी इनको प्रेफर करूँगा आपको, सबसे अच्छा इनका बेस है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पे आप आराम से मूवी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर साउंड मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छा मतलब आपको साउंड यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। और हम लोग गेमिंग की बात करें तो गाइस यहाँ पे लैगिंग भी नहीं मिलेगी आपको गेमिंग में अगर आप इनको पहन के यूज़ करें रहेंगे। इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करूँ तो आपको 30 मीटर तक आपको ये आपको सपोर्ट करता है इसमें ब्लूटूथ, जो कि अगर आप घर पे हो तो गाइस यहाँ पे 10 मीटर तक ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि बीच में वॉल्स वगैरह आ जाती है तो यहाँ पे आवाज़ क्रैक होने लगती है बीच में, जो कि मैंने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा दूर जाओगे इससे फ़ोन से, अगर आपको कनेक्ट है फ़ोन रख दिया आपने, अगर आप दूर जाओगे फ़ोन से तो कनेक्ट लेके इनको, तो थोड़ा थोड़ा आपको लैग मिलेगा, मतलब आवाज़ कट होने लगेगी यहाँ पे, तो वो मैंने देखा है इनमें। तो आपको अगर आप बाहर खुले में कहीं पे भी आपको कोई बीच में वो नहीं मिलता है हर्डल्स, तो यहाँ पे आपको अच्छा बीच में आएगा साउंड, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाता है। और अगर इसके यहाँ पे बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस के दो बटन मिल जाते हैं जो कि आपके वॉल्यूम बटन से, और यहाँ पे आपको बीच में एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट मिल जाती है जो कि आपको ये ब्लिंक करती है जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, और ब्लू कलर की लाइट जलती है जब आप इसको फुल चार्ज करेंगे तब भी जलती है यहाँ पे। और साइड में अगर आप लाल जब बैटरी दिखाएगा तो यहाँ पे बैटरी लो का साइन है वो, और यहाँ पे बीच में आपको एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है,
और ये आपका दो तीन काम और करता है। यहाँ पे अगर आप बीच वाला बटन दबा के रखेंगे, शॉर्ट प्रेस करेंगे तो इससे आप कॉल भी पिक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट प्रेस वापस कर देंगे तो कॉल आपका एंड हो जाएगा। और अगर आप इसको डबल टैप कर देंगे इसको, तो अपने ब्लूटूथ से और अपने फ़ोन में कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इसको डबल लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं कॉल। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसमें, ये दो तीन चीज़ें थी जो कि काफ़ी अच्छी हैं इसमें। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इसके साउंड क्लियरिटी के बारे में, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी क्लियर आपको साउंड मिलेगा, जो कि आपको हर एक बीट वगैरह जो है काफ़ी क्लियर निकल के आएंगी, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है इसमें। हर एक चीज़ काफ़ी अच्छा है इसमें। और मैं आपको अगर इसकी खामियाँ बताऊँ गाइस, तो खामियाँ इसमें क्या है कि आप अगर इसको पहनेंगे, पहन के अगर आप इसको ज़्यादा देर तक पहने रहेंगे, आपको ये थोड़ा पेन हो सकता है ईयर पे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये काफ़ी मतलब आपको ये थोड़ा हैवी लगेगा अगर पहनोगे। और यहाँ पे ये चीज़ जो है, यहाँ पे ये थोड़ा जाने के बाद आपको अगर एक घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेन दे सकता है ईयर पे, तो ये है। और एक और चीज़ है गाइस, यहाँ पे इसके बड्स निकल जाते हैं जल्दी, तो ये सॉफ्ट मतलब लूज हैं बड्स इसके, अभी नहीं हुए पहने पहने, पहले से जब आए तब भी लूज थे। तो यहाँ पे अगर मैं इनको डालता हूँ कान में तो गाइस ये थोड़ा सा लूज़ है, यहाँ पे अगर डालते हैं निकालते टाइम कभी कभी निकल जाते हैं, तो वो एक दो बार हो जाता है कभी कभी, तो बस एक वो लगा मुझे खामी। और अगर आप जिम वगैरह भी कर रहेंगे पहन के तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे गिरेंगे नहीं जल्दी। अगर आप इसके बिना कर रहेंगे सपोर्टर के बिना, तो गाइस थोड़ा गिर सकते हैं ये, तो आपको बना रहेगा कि गिरेंगे गिरेंगे, क्योंकि भारी लगता है ये, तो इसके कारण वो सपोर्ट हो जाता है कान पे, तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है ये। तो अगर आप जिम वगैरह भी कर रहेंगे तो स्वेट प्रूफ मिल जाता है यहाँ पे, आपको लुक भी अच्छा रहेगा, आराम से कर सकते हैं इनको। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पहले भी ईयरफोन्स यूज़ किए हैं, तो उनके बेस से मुझे इसका सबसे अच्छा इनका बेस लगा मुझे गाइस। मैं आपको ये अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में, बेस लगा आपको सच में, अगर बेस पसंद है तो इनको लीजिए आप। ओवरऑल एक बताऊँ तो यहाँ पे आप इनको ले सकते हैं गाइस, मीडियम साउंड मिल जाता है यहाँ पे, बेस काफ़ी तगड़ा है और नॉइज़ कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी इनकी। ओवरऑल अगर देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, लुक भी काफ़ी अच्छा देता है यहाँ पे ये। और मैं इनको मोर देन वन ईयर हो गया मुझे इनको यूज़ करते करते, लास्ट जुलाई में लिया था। और अगर मैं इसको प्राइस बताऊं तो गाइस मैंने ये 1900 में लिया था, और अभी अगर प्राइस इसके देखा जाए तो 1300 या 1400 के आसपास इसका प्राइस है अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह में अगर आप देखोगे। तो ये आप अगर आप खरीदते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो गाइस आप वहाँ से जाके ले सकते हैं उनको। और ये था मेरा रिव्यू इनके बारे में गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।